अच्छा देखिए, आपका लर्निंग कर्व जो है वो खत्म तो हो गया, लेकिन एक ऐसी बस छोटी सी बात ये है लर्निंग कर्व में कि आपने जो है वो लर्निंग कर्व में अभी जो अपना आखिरी सवाल अटेम्प्ट किया है, आखिरी सवाल जो अटेम्प्ट किया है पास पेपर क्वेश्चन विद द नेम ऑफ हीट कंपनी, ठीक है, तो ये सवाल मैंने आपको जो है वो सॉल्व तो करा दिए। इनफैक्ट पिछली क्लास में आपने इस सवाल को खुद सॉल्व किया है, लेकिन जस्ट एक दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको, क्योंकि इसमें वो भी है लर्निंग कर्व भी है और प्राइसिंग भी है, तो ऐसे आपको एक बात दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये सवाल एक्सेल पे परफॉर्म करना हो तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों की एक एक्सेल स्किल्स में भी एडिशन कर देगा, सही है ना। तो मैं जरा क्वेश्चन खोल लूँ, आप लोगों के जहनों में फ्रेश है क्वेश्चन, हीट वाला जो सवाल किया था ना आपने, हीट कंपनी स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ रेंज ऑफ एयर कंडीशनिंग अप्लायंसेस फॉर इंडस्ट्रियल प्रीमिसेस। इट इज अबाउट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट एनर्जी बस्टर एंड यूनिक एयर कंडीशनिंग यूनिट व्हिच इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ एयर कंडीशनिंग यूजिंग मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन एनर्जी बस्टर इज यूनिक, सो हीट हैज पेटेंटेड इट सो दैट नो कॉम्पिटिटर्स कैन एंटर द मार्केट फॉर 2 years। कंपनीज डेवलपमेंट कॉस्ट आर हाई एंड हैव 5 years। हीट कंपनी इज नाउ ट्राइंग टू असर्टेन द बेस्ट प्राइसिंग पॉलिसी दे शुड अडॉप्ट फॉर द एनर्जी बस्टर्स लॉन्च ऑन द मार्केट। डिमांड इज वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस एंड रिसर्च हैज एस्टैब्लिश्ड दैट फॉर एवरी 15 इंक्रीज इन प्राइस डिमांड फॉल बाय 1000 यूनिट्स, और 735 पे 1000 यूनिट्स, 735 पे 1000 यूनिट्स और हर 15 इंक्रीज पे 1000 से गिर जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट देखो, मटीरियल 42, लेबर में 1.5 घंटा, 8 पर आवर लग रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हैं। अच्छा, लेबर में नोट बेलो लिखा हुआ था, तो फर्स्ट एयर कंडीशनिंग यूनिट के 1.5 घंटे, रेट 8 पर आ रहे, 95% लर्निंग कर्व है, 100 यूनिट्स में खत्म हो जाएगा। और हीट्स मैनेजमेंट हैज सेड दैट एनी प्राइसिंग डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन टाइम इट टेक्स टू मेक 100th यूनिट और लर्निंग फॉर्मूला बी। हीट कंपनी का पार्ट ए, establish the demand function equation for each air conditioning unit. आपको demand function की क्या बनानी है? Equation, ठीक है? क्या demand function और price function की equation आप सबको पता है क्या होती है? P is equals to A minus B cube, ठीक है? हमें ये establish कर लेनी है, ठीक है? तो मुझे बताएं, इसमें A क्या आया था हमारे पास? 750 minus B, याद है? Change in price over change in quantity, 15/1000 0.015 था क्यू, ठीक है? ये आपका बेटा रिक्वायरमेंट ए का जवाब हो गया। हमने डिमांड फंक्शन की इक्वेशन को एस्टैब्लिश कर लिया, पार्ट ए का आंसर आपका मुकम्मल हो गया, ठीक है जी। प्राइस फंक्शन, डिमांड फंक्शन, इक्वेशन एस्टैब्लिश करनी थी, हमने वो इक्वेशन एस्टैब्लिश कर ली और बात खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर हम आए पार्ट बी पे। पार्ट बी था, कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट आफ्टर एडजस्टिंग लेबर कॉस्ट इज रिक्वायर्ड बाय द नोट। आपको मार्जिनल कॉस्ट हर यूनिट की, वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट की निकालनी है, लेकिन लेबर कॉस्ट को एडजस्ट कर देना है एज पर नोट। तो हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है हर एयर कंडीशनिंग यूनिट की। मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, उसमें डायरेक्ट मटीरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगी, फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं आएंगे, तो मिला के क्या आ जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा बताओ मटेरियल कितना है? 42, तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है 42। लेबर इक्वल टू 1.5 घंटा लग रहा है 8 पर आवर, लेकिन ये तो फर्स्ट यूनिट की आ जाएगी ना। हमें तो मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है आफ्टर एडजस्टिंग लेबर कॉस्ट एज रिक्वायर्ड बाय द नोट। नोट से एडजस्ट करके निकालनी है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है आफ्टर एडजस्टिंग नोट, नोट एडजस्ट करके निकालनी है। तो याद है नोट में क्या था कि एनी डिसीजन शुड बी टेकन ऑन टाइम इट टेक्स टू मेक द 100th यूनिट। तो आपको टाइम निकालना था फॉर 100th यूनिट, याद है? एनी डिसीजन शुड बी टेकन ऑन टाइम इट टेक्स टू मेक द 100th यूनिट। तो आपको 100th यूनिट पे काम करना था, और 100th यूनिट के लिए पहले y इज इक्वल टू ax पावर बी, 99 पे 100 पे डिफरेंस स्टार्ट करो। y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ए टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट, बताओ टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट कितना है? 1.5, देखते रहना, ब्रैकेट 99 रखूंगा, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। पावर, अच्छा पावर के लिए देखो मेरे कीबोर्ड में 6 के ऊपर ये कैरेट साइन है,
ये कैरेट साइन है, उल्टा भी है। तुम लोगों के कीबोर्ड में पता नहीं किस पे या कैलकुलेटर पे भी होता है वैसे ही, पावर साइन ये कैरेट है, ठीक है। बी बी है माइनस 0.074005, ठीक है। एंटर आ गया भाई। देखो y इज इक्वल्स टू a टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट 1.5, x की जगह 99 रखा, पावर माइनस 0.074, ठीक है। फिर y इक्वल्स टू a 1.5, x की जगह क्या रखना है 100 ब्रैकेट में, पावर के लिए वही कैरेट साइन माइनस 0.074005, ठीक है। क्या 99 और 100 दोनों रख लिया? अच्छा तो मैं बताया था उसके बाद डायरेक्टली जो है वो माइनस नहीं कर देना, एक फॉर्मेट बनाना, टेबल बनाना जिसमें यूनिट्स आए, एवरेज टाइम पर यूनिट आए और टोटल टाइम आ जाए, सही है। वो याद है ना, डायरेक्टली माइनस नहीं करते थे, टेबल बनाते थे, यूनिट्स एवरेज टाइम पर टोटल। इधर 99 रखा तो बताओ एवरेज टाइम पर यूनिट क्या है, 1.06 7589, या सेल भी लिख सकते हो, ठीक है। टोटल टाइम के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे सेल्स को, एच 13 स्टेरिक, जी 13, सही है। और जब 100 रखा है तो बताओ एवरेज टाइम पर यूनिट ऊपर क्या है, 1.066, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है जी। अब याद है इनको माइनस कर दिया जाता था, डिफरेंस लेंगे ना तो 100th यूनिट का टाइम आ जाएगा। कितना इनका डिफरेंस ले लो, I14 माइनस I13 0.98, क्या ये आ रहा था हमारे पास 100th का टाइम, ठीक है। लेबर में ये वाले आर्स रखने हैं जो I 15 में आ रहे हैं, इनटू रेट पर आर क्या था 8, तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी आफ्टर एडजस्टिंग लेबर एज पर नोट, ठीक है। और याद है मार्जिनल कॉस्ट के लिए हमने इन दोनों को सम कर दिया था, सम भी कर सकते हैं यार, D13 प्लस D14, ठीक है। तो याद है आप लोगों के पास ये आंसर आया था भाई, किया हुआ आप लोगों ने अपने उसमें रजिस्टर्स में, मार्जिनल कॉस्ट आ गई है आफ्टर एडजस्टिंग नोट एज पर नोट अबव। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि देखो अब ये तो तुम लोग जाहिर है जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुम लोग सेल्स को जा जाके जो है वो बार बार रिव्यू भी कर सकते हो, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि यार जो है वो हम लोगों ने कोई बात जो है वो मिस कर दी है, ठीक है ना। तो तुम लोग इसको बार बार देख भी सकते हो, लेकिन पॉइंट इज कि आपको पार्ट ए में डिमांड फंक्शन की इक्वेशन बनानी थी। मैंने कहा पी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्यू है, यानी कि ए 750 माइनस बी 0.015 क्यू। पार्ट बी में मार्जिनल कॉस्ट निकालनी थी, मटेरियल 42, लेबर लिया, 1.5 घंटा लग रहा है 8 पर आवर फर्स्ट यूनिट का, कह रहे हैं नोट से एडजस्ट करो, नोट में 100 यूनिट था तो 100 पे आना है, 100 का टाइम निकाला, y इज इक्वल्स टू a टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट 1.5, पहले ब्रैकेट में 99 रखा, पावर भी 99 का आ गया। फिर y इज इक्वल्स टू a टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट 1.5, 100 रखा, माइनस 0.074 दूसरे का आ गया, डायरेक्टली माइनस नहीं, टेबल यूनिट्स एवरेज टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाई किया टोटल टाइम आ गया, फिर 100 पे डिफरेंस लिया 0.98, क्या 100 का टाइम है, हर डिसीजन 100 पे लेना है। तो ये I15 वाले ले लिए इनटू 8 पर आवर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इसको मैं तुम्हें 5-10 मिनट दे रहा हूँ, खुद अपने एक्सेल पर ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसके अगले पार्ट्स कराता हूँ, ठीक है। Thank you.
अच्छा, इसका पार्ट सी था।
इक्वेट मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू टू गेट ऑप्टिमम प्राइस एंड क्वांटिटी। आपने इक्वेट करना है, इक्वेट करना है, अरे आपने कर लिया, ये इक्वल रखना है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को टू गेट ऑप्टिमम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो स्टार्ट करते हैं, याद है मार्जिनल रेवेन्यू ए माइनस टू बी क्यू था और मार्जिनल कॉस्ट है 49.9। ठीक है, तो ये आपने फर्दर सॉल्व किया, ए 750 माइनस 2, बी कितना है बेटा 0.015, क्यू इक्वल्स टू 49.90। ठीक है, अच्छा इसको हम फाइनली सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास क्यू आ जाता है। टू डबल थ्री थ्री सिक्स यूनिट्स, ये क्वांटिटी आ गई है। अच्छा अगर आपको इस पे प्राइस चाहिए तो आपको सिंपली इसको प्लेस कर देना है P इज इक्वल्स टू ए माइनस पी क्यू प्राइस फंक्शन में, तो शो कर दो बस P इज इक्वल्स टू 750 ए माइनस बी है 0.015 और Q है 23336। ठीक है, इससे आपके पास प्राइस भी आ जाएगी, ठीक है जी। तो हमने मतलब अब इसकी डिटेल्ड वर्किंग वगैरह कोई आपको शो करने की नीड नहीं है, बस आपने सारी वैल्यूज वगैरह दिखा दी और पार्ट सी आपका जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, फाइनली सवाल का बाकी बचता है पार्ट डी। पार्ट डी कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्राइस पेनिट्रेशन एंड मार्केट स्कीमिंग एंड डिस्कस इधर आइदर स्ट्रेटजी में बी सूटेबल। अच्छा, इसमें प्राइस स्कीमिंग इज अ स्ट्रैटेजी इन विच वी चार्ज हाई प्राइस एट लॉन्च एंड एज प्रोडक्ट proceeds further prices are reduced। कब suitable है, advantage disadvantage आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, penetration लिखें और कौन सी strategy suitable है, तो ये theory में इतना मसला नहीं है, ये सिर्फ आपको write करनी है। ठीक है, ultimately जो है वो computations थी वो आपको समझा दी गई है। ठीक है ना, आप copy कर लें, ये आपको एक मैंने एक्सेल रिलेटेड बात भी बता दी। ठीक है, कॉपी कर लें फिर हम बात को खत्म करेंगे। सही है,